आज मैं आपके साथ टमाटर पालक की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, आप चैनल में जाकर प्ले स्टोर में और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 250 से 300 ग्राम पालक लिया है। पालक को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो देंगे, क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो अच्छी तरह से धो लिया है और अब छलनी में करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सारे पनीर को फाइनली चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे पालक को चॉप करना है। उसके बाद एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। दो से तीन टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अगर आपको कम ऑयल पसंद है तो आप थोड़ा सा कम ले लीजिए। थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करेंगे और जीरे को चटकने देंगे। जीरा अच्छी तरह से चटक गया है। अब इसमें 5 से 6 चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे। एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे भून लेंगे। तो प्याज को थोड़ा सा भून लिया है और इसका कच्चापन है वो निकल गया है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच पे मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से और मिर्ची ऐड कर लीजिए। तो आप देखते हो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 1 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिक्स करके करीब 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 2 क्यूब्स में कटा हुआ टोमेटो ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकने देंगे, जिससे थोड़े टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला और अच्छी तरह से पक जाए। मसाला जितनी धीमी आंच पे पकेगा इतना ही टेस्टी बनेगा। तो मसाला के साथ टोमेटो को अच्छी तरह से पका लिया है। आप देखते हैं उसके ऊपर रोगन आ गया है। अब जो हमने पालक काट के रखा था, सारे पालक को ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप देखते हो जैसे ही हम पालक डालते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में दिखता है। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा पक जाएगा, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने देंगे। पालक को पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 3 से 4 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। तो हमारे टमाटर पालक की सब्ज़ी करीब करीब बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा और पानी है, क्योंकि पालक और टमाटर के अंदर पानी ही होता है। तो थोड़ा सा करीब 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे इसमें जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाए। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।